राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 23। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 23। योशिया का मूर्ति पूजा को बंद करना। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंभे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितोनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा और सब प्रजा वाचा में संभागी होगी। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप चलाने के लिए ठहराया था उनको और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्र और आकाश के कुल गण को धूप चलाते थे उनको भी राजा ने दूर कर दिया और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रो नाले में लिवा ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी गई। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी उनको उसने ढा दिया और उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेरशेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप चलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशु नामक हकीम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले की बाई ओर थे उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए, वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हिन्नोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया ताकि कोई अपने बेटे व बेटी को मोलक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतनमेलेक नाम खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया और आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियां मनुष्य ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। और जो ऊंचे स्थान इसराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम की पूर्व ओर और बिकारी नाम पहाड़ी की दक्षिण अलंग, अश्तोरेत नाम सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नाम मोआबियों के घिनौने देवता और मिलकोम नाम अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया और उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था जिसने इस्राएल से पाप करवाया था उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। और योशिया ने फिरकर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह
यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्तजन की कबर है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे जिनको इसराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशियाहा ने गिरा दिया। और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उससे भी किया। और उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। योशियाह का उत्तर चरित्र। और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिन में माना गया था जो इसराइल का न्याय करते थे और न इसराइल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशियाह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, गृह देवता, मूर्ते और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी उन सबों को योशियाह ने इस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी जो हिल्कियाह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी उनको वह पूरी करे। और उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा क्रोध शांत न हुआ जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। और यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इसराइल को अपने सामने से दूर किया वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा और इस यरूशलेम नगर से जिसे मैंने चुना और इस भवन से जिसके विषय में मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा मैं हाथ उठाऊंगा। योशियाह के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नाम मिस्र का राजा अश्शूर के राजा के विरुद्ध परात महानद तक गया तो योशियाह राजा भी उसका सामना करने को गया और उसने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ पर रखकर मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाई और उसकी निज कब्र में रख दी। तब साधारण लोगों ने योशियाह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। यहोआहाज का राज्य। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिबनावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमार देश के रिबला नगर में बांध रखा ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशियाह के पुत्र एल्याकीम को उसके पिता योशियाह के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा और यहोआहाज को ले गया। सो यहोआहाज मिस्र में जाकर वही मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके।
अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगाना था उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन नक्को को देने के लिए ले ली। यहोयाकीम का राज्य। यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम जबीदा था और रूमावासी अदायाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था।